أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज मैं आपको काइन मास्टर में ट्रेन एनिमेशन बताना चाहूँगा। ये एनिमेशन है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आप काइन मास्टर खोलें और उस डायरेक्टरी में जाएं जहाँ पे कोई भी आप उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। इसमें मैंने अभी ब्लू कलर का सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देख लें ग्रीन में हमने किस तरह कन्वर्ट कर लिया। ग्रीन का फ़ायदा ये है कि ग्रीन बैकग्राउंड बाद में क्रोमा की में बड़ा अच्छा उसका बैकग्राउंड रेज होता है। अब ये देख लें दूसरी मीडिया लेयर में हमने उस ट्रेन को उठा लिया, रिकॉल किया जिस फोल्डर में ये पड़ा हुआ था। अच्छा, इसकी अभी हम ट्रिमिंग कर रहे हैं और उसको हम साइज़ के मुताबिक छोटा कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा इसकी स्पेस है वो काट लेते हैं, क्रॉप कर लें इसको, ठीक है। और क्रॉप करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप जाए इसके ऊपर क्लिक कर लें और क्रोमा की आप एक्टिवेट कर लें। आप देख लें कि बैकग्राउंड एक ही रह गया सबका। अच्छा, इस ट्रेन के व्हील्स ज़्यादा है और यानी लंबाई ज़्यादा है। अगर ये लंबा हो तो फिर ओवरऑल स्क्रीन के ऊपर व्हील्स बड़े छोटे नज़र आएंगे, उसको हैंडल करना मुश्किल रहेगा। तो अभी हम इस तरह कर लेते कि एक डब्बा या एक कैरेज हम इसको डिलीट कर लेते हैं क्रॉप के थ्रू, और एक इंजन और दो डब्बे या दो कैरेज पीछे हम रहने दे देते हैं। अच्छा, दूसरे में हमने क्या किया कि एक व्हील ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो उस डायरेक्टरी से जहाँ पड़ा हुआ है उस फोल्डर से आप रिकॉल करें दूसरे लेयर में और उसको साइज़ करें। साइज़ करने के बाद आप उसको अपनी जगह लगा लें और उसको इन एनिमेशन में आप उसको क्लाक वाइज रोटेट कर लें, और फिर एक ही व्हील को आप डुप्लिकेट करते जाएं और जितने 6 के 6 या 7 व्हील हैं उस सब के ऊपर आपने उसके सेंटर के साथ मैच करवा रहे हैं। अच्छा, मैच करने के बाद ये अगेन हम डुप्लिकेट कर रहे हैं। जब मैच हो जाएंगे तो ये सारे व्हील्स इस तरह लग रहे हैं कि जिस तरह वो घूम रहे हैं अपनी जगह पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप